गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ संदीप कुमार फ्रॉम चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। माई डियर स्टूडेंट, आज की जो मैं ये कक्षा ले रहा हूँ ये डीएलएड सेकेंड ईयर वालों के लिए है, जो पेपर हो जाता है S4 स्वयं की समझ, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इकाई 3, जिसका नाम हो जाता है अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ। यानी कि ये आपका क्या है, इकाई 3, अपने कार्य एवं जीवन उद्देश्यों की समझ। इसके अंतर्गत माय डियर स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के लिए सुझाव। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, इसकी पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के लाभ के बारे में, अब मैं आपको सुझाव के बारे में बता रहा हूँ जो कि काफ़ी छोटी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के सुझाव। तो यहाँ पर कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी की व्यवस्था के लिए विद्यार्थी व्यवस्था के लिए विद्यालय व्यवस्था में तथा छात्र को निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी की व्यवस्था के लिए विद्यालय व्यवस्था में तथा छात्रों को निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बात कहता है। तो यहाँ पर नंबर 1 में कहता है, सुझाव के अंतर्गत पहला कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी करते समय यानी लिखते समय छात्रों को बताना चाहिए कि जब भी वह दैनिक का लेखन करे पूर्ण शांत भाव से करे, यानी कि एकदम मन को शांत कर। क्यों? ताकि वो उसमें जो भी चीज़ लिख सके वो पूर्ण रूप से क्या हो, सही हो, बिना किसी दबाव के। अतः किसी प्रकार की शीघ्रता करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, यानी कि इसमें कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। शीघ्रता से इसका उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। अगर हम जल्दबाजी में लिखते हैं या करते हैं तो हम पूर्ण रूप से इसको सफल नहीं बना सकते हैं, सफलतापूर्वक नहीं लिख सकते हैं। तो पहला सुझाव हो जाता है यानी कि इसको लिखने के लिए आपको पहले अपने मन को शांत रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी में छात्रों को अपने कार्य एवं व्यवहार की समीक्षा करते हुए, यानी अपने कार्य और जो उनके व्यवहार है उसके बारे में समीक्षा करते हुए उसमें सुधार की संभावना निश्चित करनी चाहिए, यानी कि उसमें सुधारना चाहिए, यानी कि जो उनकी कमियां कल तक थी उस कमियों को क्या करना चाहिए, दूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर सुधार होता है तो अन्य व्यक्ति हमारे व्यवहार को देखकर क्या होते हैं, सुधर जाते हैं। दूसरा सुझाव यह है यानी कि अपने कार्य व्यवहार में क्या करना, सुझाव करना लाना। क्यों? क्योंकि इसको अगर हम अपने कार्य व्यवहार में सुधार लाते हैं तो दूसरे भी देखकर इसे बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरा सुझाव हो गया। तीसरा कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी में, थर्ड में कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी में व्यक्ति को दैनिक प्रतिबिंब के समय पूर्ण निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। यानी कि जब इस चीज़ को हम लिख रहे हैं, जब उस चीज़ को हम लिखने के लिए बैठ गए अपनी बातों को, तो पूर्ण रूप से निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि निष्पक्षता के अभाव में दैनिक प्रतिबिंबित एवं दैनीय लेखन दोनों ही क्या होता है, प्रभावहीन हो जाते हैं। ये थर्ड पॉइंट हो गया, तीसरा सुझाव। चौथा सुझाव कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी, यानी कि वो आपका कहता है कि दैनिक डायरी में अधिक समय व्यय नहीं करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, दिन भर उसको लिखते ही नहीं रह जाना चाहिए, वही चीज़ को लिखिए जो आपके लिए ज़रूरी है। यह कहता है कि जब आप यह अनुभव करते हैं कि कोई घटना आपको आत्मग्लानी या आत्मगौरव का अनुभव करा रही है तो उस घटना का वर्णन अवश्य करना चाहिए। यानी कि देखिए, इसको 24 घंटा नहीं लिखते रह जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ आपसे कोई दुख हुआ है, आप किसी को दुख पहुँचाए हैं, तो उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हैं। या आपको लगता है कि नहीं आज हमने बहुत अच्छा काम किया, तो आप उस चीज़ को उसमें मेंशन कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, अवश्य लिखना चाहिए या लिख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे
आपको और दूसरे दोनों को फायदा होगी। क्या फायदा होगी? आपको यह फायदा होगी कि अगर आप कोई गलती कर दिए तो आप दोबारा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच विचार कर उस चीज़ में मेंशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और दूसरे को क्या फायदा होगा? दूसरे को ये फायदा होगा कि अगर आपके नहीं रहने के बाद व्यक्ति अगर उस चीज़ के बारे में पढ़ता है तो वह उसी के आधार पर अपने जीवन यापन को करने का प्रयत्न कर सकता है, ताकि लोग उसे अच्छे भाव से देखें, वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके इत्यादि। ये था चौथा। पांचवा नंबर आपका कहता है, दैनिक प्रतिबिंब डायरी में सागरभित वाक्य एवं तर्क का उपयोग करना चाहिए, यानी कि पूरे तर्क वितर्क के साथ उस चीज़ को मेंशन करना चाहिए। कुतर्क एवं अनावश्यक सारहीन प्रलाप से दैनिक डायरी का उद्देश्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए छात्रों में कम शब्दों में सरलता करने की आदत डालनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा भी हमको नहीं लिखना है, कम में लिखिए, ऐसा लिखिए कि व्यक्ति उसे पढ़कर खुश हो जाए या आपको भी अच्छा लगे कि आपने उसमें ज़्यादा समय नहीं दिया और कम से कम समय में आपने अपने कार्य को पूरा कर लिया। ये पाँचवा नंबर था। छठा नंबर कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के उद्देश्यों को ध्यान में रख कर लेखन करना चाहिए, यानी कि जो चीज़ आप लिख रहे हो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य को ध्यान में रख कर आपको लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इसका उद्देश्य व्यक्ति के कार्य एवं व्यवहार में सुधार करना होता है, यानी कि व्यक्ति के कार्य और उसके व्यवहार में सुधार करने में मदद करता है। इसको अपनी बैठकों के लेखा जोखा एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका औद्योगिक हो गया या बैठक लेखा जोखा, यानी कि दिन भर लिखते रह रहे, कुछ भी कर रहे, उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। जो आपको ज़रूरी है उसी चीज़ का इसमें यूज करना चाहिए। ये छठा नंबर सुझाव हो जाता है। सातवां नंबर कहता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी का स्वरूप वास्तविक रूप से सुधारात्मक रूप में होना चाहिए, अतः दूसरे शब्दों में आत्मविकास, आत्म उत्थान एवं आत्म सुधार जैसे लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दैनिक लेखन करना चाहिए। ये सातवां नंबर आपका था, यानी कि जो आप लिख रहे हो वास्तविक रूप से क्या होना चाहिए? सुधारात्मक होना चाहिए, यानी कि आपके जीवन में कुछ सुधार आ रही है तो ये आपको होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने लिख दिया फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, फिर बढ़ रहा हूँ, फिर गलती कर रहा हूँ, नहीं। आपको लिखने के बाद अपने जीवन में बदलाव लाना है, तो ये इसका सातवां नंबर सुझाव था। तो आगे कहता है कि अतः उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी छात्रों के आत्मविकास, आत्मशक्ति एवं आत्मोत्थान के साथ साथ उसके सर्वांगिक विकास का प्रमुख साधन बन सकती है। इससे समाज को आदर्श रूप की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि देखिए, कहता है कि ये जितने भी सुझाव दिए इससे ये होता है कि इससे तो आप लाभवंतित होंगे ही होंगे, साथ ही साथ हमारा समाज भी लाभवंतित होगा। हमारा समाज कैसे लाभवंतित होगा? कि अगर जब हम अपने में सुधार ला रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति भी हमें देखकर फॉलो करेंगे, या फिर अगर इनके हम नहीं रहते हैं, हमारे नहीं रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति को अगर वो डायरी प्राप्त होती है, मिलती है, तो वो उसको पढ़ता है तो वो अपने जीवन में उसमें से बहुत ऐसे चीज़ों को अपनाने का प्रयत्न करेगा और अपना जीवन को आगे व्यतीत करने के लिए तत्पर तैयार करेगा। तो ये थे माय डियर स्टूडेंट दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के सुझाव के बारे में। तो जैसे कि माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने इकाई 3 यानी कि जिसका नाम अपने कार्यों तथा जीवन उद्देश्यों की समझ के अंतर्गत हम लोगों ने देखा
हम लोगों ने देखा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति क्यों उपयोगी है, पहला हम लोगों ने ये देखा था, यानी कि ये इकाई 3 के अंतर्गत। दूसरा हम लोगों ने देखा मनुष्य जीवन की उद्देश्य की खोज किस प्रकार से करता है। थर्ड में हमने देखा था कि जीवन की आकांक्षा की अवधारणा। उसके बाद हम लोगों ने देखा दैनिक प्रतिबिंबित डायरी क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा जीवन में स्वयं का बोध कराने के लिए एक कहानी के बारे में। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा कि दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के लाभ के बारे में। फिर हम लोगों ने अंततः लास्ट में देखा दैनिक प्रतिबिंबित डायरी के सुझाव के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, ये थे आपके इकाई 3 से, जो कि मैंने आपको पूर्ण रूप से इकाई 3 को आज समाप्त कर दिया। इकाई 3 के अंतर्गत अगर आप लोग में से किसी को कोई समस्या होती है, अगर समझ में नहीं आती है, तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अर्थात आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, आप मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान 100% करने का प्रयत्न करूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।